हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा सो दिस इज़ द नाइन्थ लेक्चर ऑफ एम सी क्यूज़ ऑन सोशल सिक्योरिटी विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर यू पी एस सी पी एफ ओ ए ओ राइट असिस्टेंट ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर सो दोस्तों पिछली क्लास में जो एट्थ लेक्चर था सोशल सिक्योरिटी का उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कई जगहें ऐसी आती हैं कई टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो पॉलिटी और सोशल सिक्योरिटी दोनों में आएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात करता है जैसे मैंने जब लेबर वेलफेयर का पार्ट वन डिस्कस किया जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स उसमें मैंने आपको बताया कि लेबर वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या प्रोविजंस हैं तो वो भी एक तरह की सोशल सिक्योरिटी की बात ही हो रही है अगर लेबर वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं है ना तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज वुमेन लेबर इन सब के लिए अगर प्रोविजन हैं तो वील एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज बिंग कवर्ड इन द पॉलिटी एरिया और द कॉन्स्टिट्यूशन एरिया सो right. so, इसीलिए बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सोशल सिक्योरिटी के ऐसे दिखेंगे जिनको आप कहोगे कि सर ये तो पॉलिटी में कराना था ना ठीक है तो आप उसको पॉलिटी समझ के कर लेना चाहे यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके होंगे पर कवर हम उसको सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में करेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ठीक है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स

है उसमें वो इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद जिस भी स्टेट में वो पर्टिकुलर ट्राइब है उस ट्राइब के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद थर्ड ऑप्शन कहता है कि पार्लियामेंट एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकता है लिस्ट में से चौथा ऑप्शन कहता है कम्युनिटी डिक्लेयर शेड्यूल्ड ट्राइब इन वन स्टेट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब इन ऑल द स्टेट्स अगर फॉर एग्जांपल हरियाणा में कोई शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो वो पूरे देश की सारी स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में आ जाएगा ठीक है तो अब इस तरह के सवालों के जवाब थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि इतना डिटेल में हम पढ़ते नहीं है ध्यान देते नहीं है इन चीजों पर ठीक है तो चिंता की बात नहीं है क्राइटेरिया भी हम सारा कवर कर लेंगे ओके okay, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड और इंक्लूड फ्रॉम द लिस्ट सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ये गलत है ठीक है तो किसी भी कम्युनिटी को अगर आपने शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी डिक्लेयर करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है

एक ट्राइब में भी कम्युनिटीज फर्दर डिवाइडेड होती हैं तो आप उस ट्राइब में से किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को उठा भी उठा भी सकते हो ठीक है जो आर्टिकल 342 के अंडर लिस्टेड हैं उनको शेड्यूल ट्राइब जो है वो बोला जाएगा ठीक है तो 366 में किस तरह से डिफाइन कर दिया कि जो भी ट्राइब्स आर्टिकल 342 में लिस्टेड हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स हो गई अब ये आर्टिकल 342 जो है इसमें प्रोसीजर लिखा गया है कि किस तरह से शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेसिफाई करना है तो इसमें दो पॉइंट्स हैं सबसे पहले आर्टिकल थ्री फोर्टी टू वन तो ये क्या कहता है वहां पर वो गवर्नर से कंसल्ट करेगा जहां पर यूनियन टेरिटरी की बात है वहां पर उसको गवर्नर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है तो प्रेजिडेंट स्टेट के केस में गवर्नर से कंसल्ट करके और यूनियन टेरिटरी में बिना गवर्नर के कंसल्ट करे किसी भी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है लेकिन ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है जब सबसे पहली बार जब लिस्ट बनी होगी इस आर्टिकल के अंदर तब प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये दस कम्युनिटीज़ जो है शेड्यूल ट्राइब है सबसे पहली लिस्ट ठीक है जब संविधान बना उसके बाद जो सबसे पहली लिस्ट आई होगी वो प्रेजिडेंट ने नोटिफाई कर दी उसके बाद आर्टिकल थ्री में तो अब ये हो गया कि हाँ भाई ये सारी जो कम्युनिटीज हैं जिनको प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं पब्लिक नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद अगर उस लिस्ट में कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो वो पार्लियामेंट करेगी उसमें फिर प्रेसिडेंट नहीं करेगा उसमें पार्लियामेंट का रोल है ठीक है आपको मैंने क्या कहा था कि एक्सक्लूजन या इंक्लूजन लिस्ट के अंदर करना है अगर पहली बार लिस्ट नोटिफाई हो रही है तब तो प्रेजिडेंट करेगा लेकिन अगर एक्सक्लूजन या इंक्लूजन करना है यानी कि अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट करेगी पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा किसी भी list, किसी भी भी लिस्ट अगर ट्राइब को को कम्युनिटी वो इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उसमें पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा वो प्रेसिडेंट नहीं करेगा सिर्फ वो पार्लियामेंट के कानून से होगा ठीक है जी उसके अलावा ये जो लिस्ट होगी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ये स्टेट स्पेसिफिक होगी यानी कि अगर किसी भी कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको हर स्टेट में उस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे ओके okay? अब पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर एक्जाम्पल एक्स वाई जेड कम्युनिटी नाउ दिस एक्स वाई जेड कम्युनिटी में बी लिस्टेड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ हरियाणा बट इट मे नॉट बी द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब क्वेश्चन के ऊपर दोबारा वापिस चलते हैं तो अगर क्वेश्चन के ऊपर दोबारा हम वापस जाए तो

इसीलिए आपका सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन नो कम्युनिटी हैज बीन स्पेसिफाइड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी कौन सी स्टेट और यूटी में आपको एक भी नोटिफाइड या एक भी स्पेसिफाइड शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलेगा हरियाणा पंजाब लक्षद्वीप चंडीगढ़ दिल्ली ठीक है आपको आंसर देना आपके ये ऑप्शन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू फोर फाइव सिक्स फोर या फिर वन एंड टू ओनली क्या आंसर होगा कौन सी स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब नहीं मिल स्पेसिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी नहीं है ठीक है तो आंसर क्या होगा इस केस में देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तभी आप कर सकते हो ठीक है इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं चलती है इन क्वेश्चन में ओल राइट मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर देखो सिर्फ जो है वो नहीं आएगा ऑप्शन ऑप्शन में बाकी सारे हैं तो आपका चंडीगढ़ डेली एंड पिडुचेरी तीन यूनियन टेरिटरीज टू प्लस थ्री टोटल फाइव ठीक है तो टू प्लस थ्री का फॉर्मूला है इन विच देयर आर नो स्पेसिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू प्लस थ्री दो स्टेट्स हरियाणा एंड पंजाब एंड तीन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ चलिए थर्ड क्वेश्चन विच अमंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट के ऊपर सर्कल एनी वन फ्रॉम अ नॉन एस टी कम्युनिटी इफ मैरिज टू अम्बर फ्रॉम एस टी कम्युनिटी विल बिकम अ एस टी अगर कोई नॉन एस टी से है एंड ही और शी मेंबर्स समवन फ्रॉम द एस टी तो क्या वो व्यक्ति जो नॉन एस टी से है वो अब शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आ जाएगा स्टेटमेंट टू कहता है एनी वन फ्रॉम अ एस टी अगर कोई एस टी से है एंड इफ ही और शी मैरिज टू अ पर्सन ऑफ नॉन एस टी तो क्या वो व्यक्ति कम्युनिटी से बाहर आकर के जनरल कम्युनिटी में आ जाएगा ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली मिलेंगे नहीं काफी रिसर्च करके देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप पांच ही क्वेश्चन करा रहे हो पंद्रह क्वेश्चन कराओ बीस क्वेश्चन कराओ मैं समझता हूं कि आप पंद्रह से बीस क्वेश्चन करना चाहते हैं आप वर्ड है पेपर आने से पहले उसमें देखो दो फैक्टर है एक तो करंटली आई एम वर्किंग अलोन ठीक है आई हैव टू मेक द क्वेश्चन माई सेल्फ क्वेश्चन भी खुद बनाता हूँ पीपीटीज भी खुद बनाता हूँ उसके बाद उसको रिकॉर्ड भी खुद करता हूँ अपलोड भी खुद करता हूँ सब कुछ खुद से करता हूं ओके एंड द सेकेंड थिंग इज जो वो क्वेश्चन में आपके लिए बना रहा हूँ काफी रिसर्च करके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उठा करके आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ इट टेक्स टाइम पांच क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है ठीक है उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना अपलोड करना इट टेक्स अराउंड टू पॉइंट फाइव आवर्स फॉर अ सिंगल वीडियो फॉर मी ओके तो इसी वजह से लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश में हूँ अराउंड आपको फोर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट रहता है रोज का ठीक है तो वो कोशिश जारी रहेगी बाकी सिर्फ एम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता एम को डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम एम एक देख लिया हमने क्वेश्चन उसके बाद उसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देख ली ना तो हर एम से आप अराउंड कम से कम दो से तीन क्वेश्चन आपके और बन जाते हैं ठीक है तो आप उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा डोंट जस्ट फॉलो द क्वांटिटी गो फॉर द क्वालिटी ऑल राइट विल बी क्लियर एंड ज्यादा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे ओके okay. तो आंसर इस ऑप्शन uh, है कि क्या करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ नन तो यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर कोई भी नॉन एसटी कम्युनिटी से अगर किसी एस टी के मेंबर से शादी कर लेता है तब भी वो नॉन एस टी में आएगा ही और शी विल नॉट एंटर क्लियर और अगर कोई नॉन एस टी मैन और वुमेन मैरिज सॉरी एस टी मैन और वुमेन मैरिज समवन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी दैट मैन और वुमेन विल स्टिल रिमेन इन द शेड्यूल्ड ट्राइब जो बेनिफिट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलते हैं वो उनको मिलते रहेंगे आर यू गेटिंग इट तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है और ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो आप इसको पॉज करके एक बार जो है uh, लेना चाहें, तो ले सकते हैं चलिए फोर्थ क्वेश्चन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द जननी सुरक्षा योजना ये वुमेन रिलेटेड uh, जो स्कीम्स हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं दो ये पुरानी हो चुकी हैं फिर भी इनमें से सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं ओके okay? तो जननी सुरक्षा योजना से आपको रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑप्शन ए द स्कीम इज अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑप्शन बी द स्कीम इज वैलिड फॉर फर्स्ट टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ओनली ऑप्शन सी द एज ऑफ द मदर इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द स्कीम इस पॉइंट का ये मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वुमेन है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी एज क्या है ठीक है किसी भी एज की वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट है देन शी कैन अवेल द बेनिफिट अंडर दिस एंड ऑप्शन फोर क्या कहता है द स्कीम प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू आशा वर्कर्स इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ठीक है अगर स्कीम अच्छे से पढ़ी है तभी इसका आंसर कर सकते हैं आंसर क्या होगा इसमें खुद से पहले एक बार अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को उसके बाद वीडियो को पॉज करके आंसर करें और फिर सोल्यूशन uh, देखें तो आंसर इस केस में होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है गलत है ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कितनी भी नंबर ऑफ डिलीवरीज हो जननी सुरक्षा योजना के अंडर जो बेनिफिट्स हैं दैट कैन बी अवेल्ड ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव टेन इलेवन ट्वेल्व जितनी भी डिलीवरीज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जननी सुरक्षा योजना में जो आपने याद रखना है ठीक है तो स्कीम के बारे में देख लेते हैं एक बार नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ठीक है जो एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं दे आर एंटाइटल फॉर कैश असिस्टेंस एंड दिस इज इर रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मदर एज और बच्चे कितने पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट और भी हो रही है घर के अंदर भी डिलीवरी हो रही है तब भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं दो उतने बेनिफिट नहीं पर कुछ बेनिफिट तब भी मिलते हैं बीपीएल प्रेगनेंट वुमेन टू डिलीवर एट होम बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन प्रेगनेंट वुमेन अगर वो घर पर डिलीवरी करना चाहते हैं फिर भी उनको जो है कैश असिस्टेंस मिलेगा कितना पांच सौ रुपए का फोकस ऑन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन इज इन ऑलेशल डिस्पेंसेशन फॉर लो परफॉर्मिंग स्टेट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे वुमेन हेल्थ वॉल्टियर्स को जिनको आप आशा वर्कर्स भी कहते हैं एंड आशा स्टैंड्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कई बार ये छोटी छोटी सी चीजें ना छोड़ देते हैं मेरे जैसा अगर पेपर बनाने वाला हो मैं तो पूछ लूँ कि आशा की फुल फॉर्म क्या है बताओ ठीक है पता नहीं होगा नब्बे परसेंट बच्चों को ऑल राइट सो इनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलते हैं फॉर यू नो प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और स्मॉल कैश असिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन फॉर होम डिलीवरी ये हम पहले भी देख चुके हैं समझ चुके हैं ओके okay? चलिए

पर्टिक्यूलर रिपोर्ट वॉज रिलीज इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी ना वट इज दिस ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस तो बेसिकली एक इंटरनेशनल अलायस है विच इज वर्किंग टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीम हंगर एंड दिस पर्टिक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जीएनएफ दट इज योबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस वॉज को फाउंडेड बाई यूरोपियन यूनियन एफ एओ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एट द टू थाउजेंड सिक्सटीन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट अच्छा ये भी सवाल पूछा जा सकता है ठीक है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जीएनएफ क्या है ये ये एक इंटरनेशनल अलाइंस है इसके को फाउंडर्स कौन थे कब इसकी फाउंडेशन हुई थी क्या इंडिया इसका को फाउंडर था ठीक है तो इस तरह के जो है सवाल बन सकते हैं चलिए तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को ख़त्म करेंगे और आई होप आपको मज़ा आया होगा सबको कुछ नया सीखने को यहाँ पर आपको मिला होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाकी की प्ले आपकी स्क्रीन पर है उनको भी देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए चलिए बाय बाय